हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत हो चुका है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। और आप लोग देख रहे हो कॉन्टेंटल एंड गेमिंग चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने एटर्नो सर्वर में लाइफ स्टील प्लगइन लगा सकते हो। जी हाँ गाइस, बिल्कुल वही वाला प्लगइन जिसके अंदर अगर आपने गलती से भी आप मर गए तो आपका एक हार्ट चला जाएगा। सो गाइस, ये काफी ज्यादा अच्छा प्लगइन है और इसे आप अपने सर्वर में लगा के अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस, इसे लगाने के लिए पूरा प्रोसेस देखना सही से, क्योंकि अगर आप प्रोसेस नहीं देखते हो तो सही से नहीं लग पाता प्लगइन, और फिर आप लोग हेट करोगे कि भाई तूने प्लगइन लगाना सही से नहीं बताया। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो से जरा सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे मुझे सपोर्ट भी मिलेगा और आप उसे किसी भी टाइम कैंसिल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा आसान है, लेकिन वो जो आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको एक सर्वर बना लेना है जिसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर जो है पेपर एमसी वाला लगा लेना है। और ये जो सर्वर होगा ये होगा आपका जावा एडिशन, तो आपको एटर्नोस पे जावा एडिशन का सर्वर बनाना है और उसके बाद उसका जो सर्वर सॉफ्टवेयर है उसे पेपर एमसी कर लेना है। उसके बाद आपको प्लगइन्स में जाना है, उसके बाद आपको जो है गीजर एमसी लिखना है। तो गाइस, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ गीजर एमसी। सो गाइस, गीजर एमसी सर्च करने के बाद सेकंड पे आके उसके वर्जन्स में आपको 1131 वाला ये जो वर्जन है इसे डाउनलोड कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पे मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। सो गाइस, ये हो गया है डाउनलोड। इसके बाद मैं सर्वर पे जाऊँगा और एक बार सर्वर को स्टार्ट करके देख लूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गीजर एमसी को एक बार स्टार्ट करके देख लेना चाहिए, उसी के बाद कोई और प्लगइन लगाना चाहिए। तो मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ये काम कर सकते हो। सो गाइस, जिन्हें भी नहीं पता हो कि मैंने गीजर एमसी क्यों लगाया है, तो गाइस गीजर एमसी इसलिए लगाया जाता है जिससे जावा एडिशन के सर्वर्स में बेडरॉक प्लेयर्स भी आ सकें। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है सर्वर में, मतलब गीजर एमसी को लगाने की, तो फिर आप वो भी देख सकते हो। तो गाइस, जो सर्वर है वो गीजर एमसी लगाने के बाद भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, क्योंकि अब मैं जावा एडिशन के सर्वर में बेडरॉक एडिशन से आ सकता हूँ। तो गाइस, फटाफट से लाइफ स्टील प्लगइन भी लगा लेते हैं। सो गाइस, मैं अपने माइनक्राफ्ट से बैक आके अपने फिर से एटर्नोस वेबसाइट पे आता हूँ और प्लगइन्स में जाके लिखता हूँ लाइफ स्टील। सो गाइस, इसे करके मैं कर लेता हूँ सर्च। तो गाइस, जो ये सबसे नंबर थर्ड पे आ रहा है फैन मेड क्रिएशन ऑफ लाइफ स्टील एसएमपी प्लगइन। सो गाइस, आपको इस पे क्लिक कर लेना है और इसके लेटेस्ट वर्जन को जो है डाउनलोड कर लेना है। सो गाइस, इसे मैं कर लेता हूँ फटाफट से डाउनलोड, और गाइस ये डाउनलोड हो चुका है। सो गाइस, अब क्या कहते हैं सर्वर में जाता हूँ और गाइस आपको एक बार इसे रिस्टार्ट कर लेना है। सो गाइस, जब आपका सर्वर एक बार रिस्टार्ट हो जाए तो फिर आपको फिर से अपने 3 lines जो आती हैं ऊपर उस पर क्लिक करना है, फिर फाइल्स में जाना है और जो ये प्लगइन फोल्डर है इसमें जाना है, और उसके बाद आपको लाइफ स्टील एसएमपी फोल्डर ढूंढना है, फिर इसके कॉन्फिग वाले फोल्डर में जाना है। और गाइस, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सेटिंग कर लेनी है कि आपको कैसा चाहिए। तो यहाँ पे पूरी लाइफ स्टील प्लगइन की सारी सेटिंग्स हैं कि आपको कितने हार्ट देने हैं, और आप मतलब जैसे अगर बंदा खुद ब खुद प्लेयर ने नहीं मारा और जैसे किसी मॉब से मर गया तो उसका हार्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो बाकी आप ये सारी सेटिंग्स कर लीजिएगा। सो बाकी ज़्यादा सेटिंग तो मुझे सेम अच्छी लगती है डिफॉल्ट, बस मैं जो है मैक्स हार्ट जो है जो कि जो टोटल पूरे सारे जितने टोटल हार्ट्स होते हैं उन्हें चेंज जो है कर दूंगा। सो गाइस, यहाँ पे मैं मैक्स हार्ट पे क्लिक करता हूँ फटाफट से, जो कि आपको यहाँ पे बीच में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद अब मैं इसे 100 कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे 100 हार्ट्स के लिए चाहिए थे, मुझे 100 हार्ट चाहिए मैक्स, और उसके बाद सेव कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस आपको बैक आना है और अपने सर्वर को एक बार और रिस्टार्ट कर लेना है। सो गाइस, आप आराम से अपना सर्वर जो है अपने दोस्तों के साथ जो है एंजॉय कर सकते हो। बस आप उन्हें अपना पोर्ट और एड्रेस दे देना और वो अपने सर्वर को सेव कर लेंगे अपने माइनक्राफ्ट में, और फिर वो आपके सर्वर में आराम से आ सकते हैं। और इसमें आपके हार्ट्स जो हैं, अगर आप जैसे किसी भी मॉब से मरते हो तो आपका एक हार्ट चला जाता है, और अगर आपको कोई प्लेयर मारता है तो उसे वो वाला हार्ट मिल जाता है। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपके दोस्त जो हैं आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपके इसमें टोटल हार्ट्स चले जाते हैं, यानी कि आपने अपने सारे हार्ट्स या तो दोस्तों को दे दिए या फिर मॉब से मरते मरते ख़त्म कर दिए, तो फिर आप इससे परमानेंटली बैन हो जाते हो। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।